हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रूट और रॉक बोनसाई बनाने का वीडियो अपलोड किया था। उसमें हम एक पत्थर दिखाए थे दोस्तों, जो पत्थर आप देख रहे हैं। हमने बोला था कि इस पत्थर को हम कैसे बनाए हैं, वो आज हम वीडियो में हम दिखाएंगे दोस्तों कि इस पत्थर को हमने सीमेंट से बनाया था और कैसे बनाया है, यह सारी जानकारी आप लोग को देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे बना रहे हैं इसको। डिब्बा जो होता है उसको हमने लिया है और हल्का सा गरम कर रहे हैं। आपको जो उसको शेप देना है वो उस शेप में हम उसको गरम करके शेप कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम सीमेंट का घोल ले लिए और उस जो प्लास्टिक का डिब्बा था उसमें सभी तरफ हम सीमेंट का घोल पोताई कर रहे हैं। ये नॉर्मल सीमेंट का घोल ही है, चारों तरफ हम पोताई कर दे रहे हैं, जिससे ये जो सीमेंट और रेत का जो मिक्स रहेगा उसको अच्छी तरह से पकड़ बन जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद ये जो सीमेंट का रेशियो रहेगा मिक्सचर का, वो सैंड थर्ड पार्ट रेत रहेगा और वन पार्ट सीमेंट रहेगा। उसके बाद हम इसका जो मिक्सर है उसको धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर लेप करते चल रहे हैं। आप जैसा देख रहे हैं हमने धीरे धीरे मिक्सर को ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लेप करते चले जा रहे हैं। और आप जो आकृति देना चाहते हैं, जो शेप देना चाहते हैं, धीरे धीरे आप देते चलिएगा। और ऊपर की ओर हमने एक कागज़ का पेपर का टुकड़ा था उसको रखा है ताकि वहाँ पे रखते बने, बाद में हम उसको निकाल देंगे और उसके बाद लेप करते अच्छे से बनता है। आप जो उसको शेप देना चाहें वो आसानी से दिया जा सकता है। अब उसके बाद हमने एक चम्मच लिया और शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसा टेक्सचर आप पत्थर में देखते हैं वैसा आप बना सकते हैं। यहाँ पे अपना टैलेंट की ज़रूरत होगी दोस्तों आप लोग को। आपको जैसा शेप देना देने का मन करता है वैसे दीजिएगा। मैं कहीं कहीं पे रूट फंसाने की कोशिश करूँगा, इसलिए रूट के लिए भी थोड़ा सा टेक्सचर मैं खुद से तैयार कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं और ऊपर की ओर जो सीमेंट लग गया था उसको निकाल देंगे ताकि ये अंदर पूरा गहरा होल रहेगा जहाँ हम मिट्टी डालेंगे, और जो मैंने पेपर डाला है उसको कागज का उसको बाद में हम निकाल लेंगे। इसके बाद कहीं कहीं पे अगर निकल जाता है या गिर जाता है सीमेंट का मिक्सर, तो आप हल्के से सीमेंट का पाउडर डालिए और वहाँ पे फिर से आप सीमेंट डालेंगे तो चिपक जाएगा, और आप जो शेप देना चाह रहे हैं वो आसानी से दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसको हमने बनाने के बाद पूरी तरीके से एक सप्ताह, दो दिन तक सूखने दिया धूप में। उसके बाद एक सप्ताह पानी में डुबा के रखे हुए थे हम। अब उसके बाद पूरी तरह सूखने के बाद हम पेंट कर रहे हैं दोस्तों। पेंट करने का भी पूरा तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं। ये जो टेक्सचर देख रहे हैं इसमें हम पूरी तरीके से फेब्रिक कलर में यूज़ करता हूँ दोस्तों। बहुत आप लोग पूछे थे कि कौन सा कलर यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा बताया हूँ कि फेब्रिक कलर यूज़ करता हूँ। इसका वाटरप्रूफ कलर है दोस्तों और पानी के साथ मैं यूज़ करता हूँ, तो ये पूरी तरह से सोख लेता है पत्थर सीमेंट और वाटरप्रूफ कलर बन जाता है। उसके बाद ये सारा ब्लैक कलर मैं पूरी पत्थर पे ब्लैक कलर कर रहा हूँ सीमेंट पे। और ब्लैक कलर करने के बाद मैं हल्का सा वाइट और ब्लैक को मिक्स करके ग्रे कलर बनाया हूँ, और ग्रे कलर को सभी तरफ जो टेक्सचर होता है वो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ब्रश से धीरे धीरे चलाइएगा, जो टेक्सचर है वो बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स वो आपके ऊपर है कि आप कैसा उसको डिज़ाइन देते हैं पत्थर को। जो वाकई में जो पत्थर होता है उसको पहले देखिएगा कि पत्थर का कभी टूटता है तो कैसा हो जाता है, ये सारे टेक्सचर देखना पड़ता है, उसके बाद ही बनाइएगा। ये जैसा आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट आया था कि आप पूरी जानकारी दीजिए, इसलिए मैं सभी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है करके मैं बहुत फास्ट तरीके से दिखाता था, अब पूरी तरीके से दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों।
अब पूरी तरीके से हमारा पेंटिंग का काम हो गया। तकरीबन आधा घंटा लगा हम लोग को पेंट करते इसको। अब बड़े आसानी से दोस्तों इसमें हम अपना कोई सा भी पौधा लगा सकते हैं। ये मैंने रूट और रॉक बंसाई बनाने के लिए बनाया था, ताकि उसमें जड़ थोड़ी पूरी तरह से फंस जाए, कुछ जड़ अंदर की ओर चली जाए। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।